हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरी देखिए बिना स्किप किए हुए। गाइस, थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपके प्ले स्टोर पे सिंपली मिल जाएगा। गाइस, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और ओपन करते हैं मैं जिस एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूँ उसे आपको यहाँ टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको सिंपली ऐसे ही टाइप कर देना है और इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। गाइज, मेरे मोबाइल में पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड है, इसलिए इसमें इस प्रकार से आ रहा है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद सिंपली यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे ही आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ ओके में क्लिक कर देना है। गाइज, जहाँ पहले से हमारी बनी हुई है उसे हम डिलीट कर देते हैं, और दोबारा फिर से बताते हैं नई। अब गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको सिंपली यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको इमेज साइज पे जाना है। आप देख रहे हैं कस्टम लगा हुआ है, यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल पर सिंपली क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको जैसे इसमें पहले से कलर है, इस कलर को आपको लाना है, तो आप सिंपली नीचे देख सकते हैं यहाँ एक आइकन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ आप इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इमेज के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सामने बहुत सारी इस प्रकार की इमेज आ जाएंगी। आप जिस इमेज को चाहें उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी सारी इमेज जो है वो सामने ओपन होके आ चुकी हैं। आप जिस इमेज को भी चाहें उस इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कुछ। देख रहे हैं आप गाइस, अब आपको सिंपली इस पे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए सिंपली आपको ऊपर जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है उस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, सेव स्वयं का एक स्टिकर बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी गैलरी से इसमें फोटो भी डाल सकते हैं। हम सिंपली यहाँ टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप नीचे देख रहे हैं एक ए का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है। अब जो टेस्ट लिखा हुआ है उसे आपको डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ से जो भी लिखना है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, फिर आपको सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको इसी ए वाले आइकन के आइकन को इस प्रकार से कुछ स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल बार देखने को मिल जाएंगे। आपको साइज पे क्लिक करके इसका थोड़ा साइज बढ़ा देना है। ओके पे क्लिक करके यहाँ पैडिंग को जाके इसका भी थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं। अब आपको कलर पे जाना है सिंपली, और आप जिस कलर में इसे लिखना चाहते हैं उस कलर में आप इसे लिख सकते हैं। ओके कर देते हैं। अब आप चाहें तो इसे घुमा भी सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में आप इसे घुमा सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है, और देखेंगे आप यहाँ बहुत से फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल पे जाना है, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत से आइकन हैं, आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आपका टेस्ट हुआ कंप्लीट। यदि आप इसमें शैडो लगाना चाहते हैं तो वो भी इसमें सिंपल आसान बेस से शैडो भी लग जाएगी। अब आपको तो दूसरा टेस्ट लिखना है, तो आपको फिर से उसी प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेस्ट पे जाना है और नीचे एडिट पे जाना है।
और इसको यहाँ से डिलीट मार के आपको जो लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए आप। अब फिर से आपको सीधा ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप साइज पे जाइए, साइज को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ओके। यहाँ से इसको भी थोड़ा इस प्रकार से कर दीजिए, ओके। अब आपको कलर पे जाना है, कलर भर दीजिए, यहाँ से ओके मार दीजिए। सिंपली फॉन्ट में जाके यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए, स्टाइल पे जाइए, सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, इसको इस प्रकार से नीचे लगा दीजिए। गाइस इस प्रकार से आपकी थंबनेल बनना प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें यदि आपको फ़ोटो लगानी है तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आप सिंपली प्लस वाले आइकन पे जाइए और फ्रॉम गैलरी में चले जाइए। गाइस इसमें सिर्फ आपकी PNG फ़ोटो लगेंगी और जो आपने फ़ोटो सिंपली खींच रखी है वो फ़ोटोज नहीं लगेंगी। तो आपको इसमें PNG फ़ोटो बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है, उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ से जैसे मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, अब आपको इस फ़ोटो का जो पार्ट लगाना है उस पार्ट को आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ओके वाले में क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी। अब गाइस देख रहे हैं इस प्रकार से आपकी थंबनेल बनना शुरू हो गई। अब गाइस आप जितना चाहें उसमें इसको उतना सजा सकते हैं। गाइस जब आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा नॉलेज हो जाएगा। अब गाइस यदि इस वीडियो को, इस थंबनेल को आपको सेव करना है तो सिंपली आप प्लस के बटन एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ सेव एज इमेज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको उसमें क्लिक कर देंगे तो ये आपकी इमेज सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में जाके। गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।